प्यारा है एकदम, बड़े बड़े से पहाड़ हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूट प्रिंसेस ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं, होप करते हैं आप सब अच्छे होंगे। सो अभी शाम का बज रहा है गाइस 5 और हम लोग कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, वो भी ऐसा जगह जा रहे हैं गाइस कि मतलब मेरे लाइफ से जुड़ा हुआ वो जगह है, और मतलब वहाँ का जगह से मेरा मतलब बचपन जुड़ा हुआ है। वहाँ पे जाने के बाद एक बहुत ही स्पेशल चीज़ आप लोगों को दिखाएंगे, आप सभी से शेयर करेंगे, जिनको देखकर आपको खुद भी अच्छा लगेगा। और उनसे हम बहुत ही सालों से दूर हो गए थे। मैंने शादी के बाद एक बार गए हैं और उसके बाद नहीं गए थे, मगर आज बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, तो सोचे कि चलो वहाँ से घूम कर आते हैं। बहुत ही मन फ्रेश लग गया हमको, यकीन है कि वहाँ उनको देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लग गया हमको, और अपना कुछ बचपन का याद भी ताज़ा कर लेंगे। जैसे कि उनको देखने के बाद बहुत सारा पुराना याद ताज़ा हो, और जैसे पुराना चीज़ को देखने से कैसे एक्साइटमेंट लगता है ना, याद आता है वो चीज़ कि ऐसे होता था, ऐसे करते थे, ये करते थे, वो करते थे। सो वैसे शाम हो गया है, तो क्या बोलना चाहती है, बोलो, आओ बोलो, क्या बोलना चाहती है? दैन अभी मालूम कितना गंदा जीभ में लगाई हुई थी, डर्टी गर्ल। कैसे कैसे नहीं, डर्टी गर्ल का देखे जीभ, अभी टंग देखे, टंग देखो अभी भी वाइट वाइट है, दूध पीपी के एकदम जीभ जो है गंदा गंदा कर लेती है। अभी इसका जीभ ही से पूरा जीभ साफ किए, मम्मी मम्मी पानी मेरा भी साफ कर दोगी? मेरा पिंक हो गया है। हाँ। और ऐसा है, परी को नहीं ले जा रहे हम कहीं, परी भी जाएगी? अच्छा ठीक है, ऐसा गिराई कि हम नीचे बैठ गया। तो अब भी पढ़ रहे हैं गाइस वो बच्चे ट्यूशन, हर सब पीहू ट्यूशन कर रहे हैं, वो लोग जैसे पढ़ के उठेगा तो हम जाएंगे। आज वैसे मौसम भी फ्रेश किए हुए हैं। इधर मम्मी जो है आराम कर रही है, पूरा चश्मे वाली मैडम, आँख में दर्द पता नहीं क्या है दे रहा, चश्मा लगा के बोला है डॉक्टर हमेशा रहने के लिए। इसको जो है चश्मा लगा के डॉक्टर बोला है कि हमेशा ज़्यादातर चश्मा लगा के रहेंगे। हमको जैसे बोला है कि कमर में बेल्ट बांध के रहेंगे, तो हम भी थथराई हैं, हमको भी दवाई खाते हैं तो आराम लगता है, तो कौन पूछे कमर का बेल्ट, मगर फिर भी अभी जाएंगे तो बांध लेंगे। इसको बोलेगा हंस कर रहा है कि कहाँ जाना है, हम बोले चलो ना पुरानी मम्मी का याद, तो कह रहा है कौन सी मम्मी, तुम्हें तो बोले पुरानी मम्मी का याद, अरे कौन सी पुरानी मम्मी। अरे कहने का मतलब है मम्मा ऐसा जगह ले जा रही है जिस जगह से मम्मा का बचपन का याद जुड़ा हुआ है, समझ में आया? तो फाइनली गाइस हम लोग सब कोई निकल चुके हैं जाने के लिए। गाइस हमको बहुत पिटाई कर रही है परी, इसको रास्ते में कहीं झूला दी गया, इसको झूल ऐसे 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 करके बता रही है कि झूला नहीं झुलाई हमको ना परी, घूसे घूसे मार रही है, इधर तथुर रही, उधर चिप रही, गुस्सा में हो, गुस्सा में हो, कैसे गुस्सा में हो। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं, और जहाँ आप सभी से शेयर कर रहे थे कि वहाँ पे हमारा बचपन का याद कुछ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हमारे भगवान जी हैं, हमारी माता रानी हैं, माँ संतोषी माता का मंदिर है यहाँ पे, हम इनका बचपन से सेवा किए, इनका बचपन से हम पूजा किए हैं। तो चलो आप सभी को भी दर्शन कराते हैं। तो गाइस ये रहा यहाँ का कुछ व्यू, गाइस आप देखो कितना प्यारा यहाँ का व्यू है, ये देखो माता जी का मंदिर है, हमारे बजरंगबली का भी मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा है एकदम, बड़े बड़े से पहाड़ हैं देख सकते हैं, और यहाँ हमारे भोले बाबा का भी मंदिर है। तो यहाँ पे हम लोग स्लीपर पहले खोल लेते हैं। तो गाइस ये रहे हमारे माता रानी, गाइस हमारी संतोषी माता, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। ये हमारे भोले बाबा का मंदिर है, शिव बाबा का यहाँ पर, ये हंस कहाँ किनारे जा रही, स्टैक है बेटा, एनाकोंडा रहता है अंदर में। हाँ तो
संतोषी माता को हम बचपन में बहुत ही ज़्यादा सेवा किए हैं। हम बहुत इनको हर फ्राइडे को, हर शुक्रवार को हम नहलाते थे माता जी को, साड़ी इनका धोते थे, चुन्नी धोते थे। और मेरी फ्रेंड भी रहती थी ज्योति आरती, ये सभी बहुत हम लोग मतलब एक साथ मिल के बहुत पूजा करते थे संतोषी माता का, और हर शुक्रवार को पूजा करते थे सच्ची। और उसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब मन शांत हुआ करता था, और कभी बेचैन भी होता था तो इनका दर्शन करने से सब कुछ अच्छा हो जाता था। तो बरसों से हमने आए थे, हर्ष जैसे पेट में था ना उस टाइम, तो माता जी से कुछ मन्नत मांगे तो वो पूरा किए थे। तो हम आए थे संतोषी माता को चुन्नी चढ़ाने के लिए, और आज दिल से फिर से प्रे करेंगे माता जी से, एक और विश मांगेंगे, और आई विश माता रानी मेरा विश पूरा करे। तो चलो यहाँ का और कुछ व्यू दिखाते हैं। पहले से तो बहुत ही यहाँ चेंज हो गया, पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, अच्छा हो गया, बहुत अच्छा। जैसे पहले सिर्फ माता जी बैठाए हुए थे छोटे से मंदिर में, अभी मंदिर को बहुत बड़ा कर दिया गया है, और छोटे से वो बजरंग बली थे तो उनको भी मतलब एक मंदिर दे दिया गया, अच्छा सा खासा मतलब बहुत बड़ा सा मंदिर तैयार हो गया है यहाँ पे। तो ये देखो, ये जो है ना, ये गंगा है, इसी मतलब इसी पानी में हम लोग जो है छठ पूजा करते हैं, यही हमारा छठ घाट हुआ करता था। मतलब बहुत ही अच्छा लगता है पुराना चीज देखकर, है ना। हाँ। तो तुम लोग कैसा लगा पहले ये जगह बताओ? अच्छा लगा, माता जी का दर्शन किया, मतलब संतोषी माता का हम बहुत सेवा किए। तो आप यहाँ ही रहना, संतोषी माता का अच्छे लगे, वीर जी मुझे अच्छे, यहाँ ही रहना है। अब इनको यही रहना है, बताओ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। शाम के समय में आओगे तो बहुत ही मन फ्रेश हो जाएगा। इस एरिया को जैसे छठ आता है ना तो बहुत ज्यादा क्लीन कर दिया जाता है, साफ सुथरा कर दिया जाता है। तो यहाँ पे गाइस देखो, हमारा बड़ा पहाड़ है, वाव कितना खूबसूरत यहाँ का व्यू है। करे नंदी की सवारी शंभुनाथ रे, हो शंकर नाथ रे। बहुत ही हरा हरा घास के बीच में है, कभी कोई ऐसा टच हो रहा, लग रहा है कोई कीड़ा चलने लगा। यो तो मजा आ रहा है यहाँ पे, ये सब घास लग रहा है कि काट रहा है, मगर आ तुम भी खेल लो थोड़ा सा। घास भी हो तो मेरे डर से भाग गए हैं यहाँ का, वही कुछ कहो, मजा आ रहा है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही मजा आ रहा है। देखो यहाँ का व्यू दिखाए, गोल गोल घूम के गए। तो यहाँ पे गाइस हो रखा है फिर से दिक्कत, हर्ष का पैर जो है शीशा से मामा मुझे चुभ गया, कुछ चुभ गया यहाँ पर, उधर ही चुभा है। बैठो तो बैठो, तेरी घास में चप्पल पहन के आना है, ठीक है? उधर चुभा है तो मुझे, वही तो। परी मजा की, बाप रे बाप, इतना भाव, परी मजा की बता रहा था मजा की। ये देखो, ये अलग सा एक यूनिक गाइस, ये पत्ते से पुफी बना दी, हम लोग का लैंग्वेज पुफी सिटी। तो यहाँ पे तो बच्चे आकर बहुत ही मस्ती किए, मेरे से ज्यादा तो ये लोग हैप्पी हुए यहाँ पर आके। हम क्या पुराना याद ताजा करेंगे, इन लोग ही याद ताजा कर लिए। जैसे कि पीहू तो बोल रहे यहाँ पे घर ही बनवा दो, हम लोग पुराने हैं। वही ना, आप लोग पुराने हैं, हम लोग यहाँ के पुराने हैं। तो यहाँ मम्मी बैठ के गप्पे मार रही है, हम लोग पूरा उड़ रहे हैं हवा हवा में, और इन लोगों की तो मस्ती कहीं भी चालू होती है। इसको बोलने, पीहू को बोलने तक नहीं आ रहा है। हम लोग यहाँ पे एक साइकिल मिल गया, दो ना मेरे को चलाना है। शाम होते जा रहा है गाइस, और जैसे जैसे शाम हो रहा है, जैसे जैसे सूर्य भगवान ढल रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर और प्यारा लग रहा है। तो फाइनली गाइस हम लोग यहाँ से वापस हो रहे हैं, और होप करते हैं यहाँ का व्यू, यहाँ के देवी देवताओं का दर्शन करके आप सभी को अच्छा लगा होगा। हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा, शाम के समय में यहाँ पे आए तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और मम्मी लोग को बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा ना मम्मी? प्रिया तुमको अच्छा लगा? प्रिया को तो और याद आ गया होगा पलामू, है ना। तो सच में गाइस बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोकल लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं शाम का समय में, लोकल लोग यहाँ आकर बैठे हुए रहते हैं, अच्छा भी लगता होगा। यहाँ पे हम भी रहते ना, अब तो उतना ग्रीन सिटी दूर चले गए हैं, अगर नज़दीक रहते ना तो आते हम भी। शो माता रानी से प्रे किए हुए हैं,
विश करते हैं कि जल्दी जल्दी पूरा हो, जल्दी जल्दी माता रानी का दर्शन करने का मौका मिले और हम आए और माता रानी हमको बुलाए दर्शन के लिए। आज तो बस हम लोग घूमने के लिए आए थे और माता रानी का दर्शन किए, मगर आज तो हम माता रानी का कुछ सेवा ही नहीं किए, पूजा पाठ ही नहीं किए। सो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फ्राइडे के दिन आएंगे, माता रानी का पूजा करेंगे, अपनी संतोषी माता का और भले बाबा अबीर जी और शाही बाबा जी, यहाँ पे जितने भगवान जी हैं सबका पूजा करेंगे। सो आज का ब्लॉग यहीं एंड करेंगे गाइस, होप करते हैं ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ साथ कमेंट भी करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।